देख रहे हैं आप, क्योंकि जुलाई अगस्त की भविष्यवाणी तो आपकी सही जा रही है। अभी तो अगस्त शुरू होना है राजीव जी, काफी कुछ होना है अगस्त में, काफी कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी होना है। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा अब क्रॉस सेक्शन और भारत को जो है कनेक्ट करेगी, ये अगर होती है तो बहुत सिग्निफिकेंट है। और वो इसलिए सिग्निफिकेंट है कि इस बार ये भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के कोर से होकर गुजर रही है, उत्तर प्रदेश से, और मैक्सिमम जगह वहाँ पे होगी, मैक्सिमम समय वहाँ पे होगी। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, जब वो भारत जोड़ो यात्रा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन राज्यों से होकर गुजर रही थी, तो आप देखिए कि इन राज्यों में क्या हुआ है कि समाज काफ़ी आगे है। समाज इसलिए आगे क्योंकि वहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं, वहाँ बड़े बड़े रिफॉर्मर्स हुए 20th सेंचुरी में, महाराष्ट्र में हुए, ज्योतिबा फुले हुए, हर राज्यों में ऐसे, तमिलनाडु में भी रिफॉर्मर्स हुए, सब जगह रिफॉर्मर्स हुए। उत्तर भारत की स्थिति ये रही कि यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स उस तरीके से नहीं हुए, खासकर 20th सेंचुरी में या आधुनिक भारत में। आज़ादी की लड़ाई के अलावा सोशल रिफॉर्म्स उस तरीके से नहीं हुए, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके का अगर कोई राजनीतिक पहल होती है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के समाज को काफ़ी कुछ मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उथल पुथल वाली राजनीति उत्तर प्रदेश में हुई है 30-32 साल से, और उस राजनीति ने पूरे देश को बांटा है। आडवाणी जी जब रथ यात्रा लेकर निकले थे तो वो बांटने की योजना थी, जिसका नतीजा होते होते अब आप ये देख रहे हैं कि लिंचिंग हो रही है, मणिपुर में एथनिक क्लिंजिंग हो रही है। तो ये जो चीजें हम देख रहे हैं, ये उसी आडवाणी जी की यात्रा का अंजाम है, जिसका उस वक्त कोई राजनीतिक बड़ा पहल नहीं हुआ, सिवाय इसके कि राजनीतिक अंकगणित से बीजेपी को हराने की कोशिश होती रही। तो अब ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन उत्तर भारत की समाज में, इसको मैं बड़े उम्मीद से देख रहा हूँ कि शायद ये कुछ उत्तर प्रदेश को या उत्तर भारत के समाज को शायद कुछ दे जाए, जो वहाँ पे पिछले दूसरे समाजों से उत्तर भारत का समाज थोड़ा पिछड़ता हुआ दिखता है कई मायनों में। आप देखिए, वो तो हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी बात, जो आपने वीडियो दिखाया, हम लोग बचपन से पढ़ते आए राजीव जी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, 65-70% जनसंख्या सीधे या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित है, और हम किसानों की बात सुन रहे थे। उस किसान का वीडियो जो कल राहुल गांधी ने शेयर किया, जिसकी चर्चा प्रोफेसर अखिल स्वामी कर रहे थे, आप उस किसान से आप आंख नहीं मिला पाएंगे, वो सब्जी विक्रेता से मुश्किल है उससे आंख मिला पाना जी। जिस तरीके की वो बात कह रहा है, जिस तरीके से उसने आंसू अपने रोके हैं, तो किसान की स्थिति, और आप ये देखिए कि कहां समाज हमारा चला गया कि अगर 2 रुपए की सब्सिडी भी किसान को मिलती है तो ये टीवी चैनल स्टूडियो में शोर मचाना शुरू करते हैं, रेवड़ी बांटी जा रही है, और हजारों करोड़ रुपए लोग देश में छोड़ के भाग जाएं, 11 लाख करोड़ का एनपीए हो जाए उद्योगपतियों का, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। तो आज की स्थिति में मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा और जो ये दूसरे इंडिया का जो गठबंधन है, वो बहुत महत्वपूर्ण एक जो है हस्तक्षेप होगा आज की राजनीति में। और 2-3 बातें हुई हैं, देखिए राहुल गांधी की आप पहली की यात्रा को देखिए, यात्रा 1 के समय तो कांग्रेस में अध्यक्ष भी नहीं था कोई,
यात्रा वन के दौरान कांग्रेस में अध्यक्ष बना, तो कांग्रेस का अध्यक्ष का एक अब एक सेक्रेटरिएट है जो काम कर रहा है। अब एक इंडिया गठबंधन है 26 पार्टियों का, और अब राहुल गांधी है। तो इसलिए राहुल गांधी अब आराम से बिना किसी बैगेज के पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करेंगे, और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी उनके कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के लिए। एक तो इंडिया में, जैसा आप बता रहे हैं कि इंडिया शब्द में मोदी जी समेत पूरी बीजेपी उलझी हुई है, उलझ गए उसमें, उसके शब्द के तमाम तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं, उसको हम लोग चर्चा कर चुके कई बार। अब उनको पास टारगेट होगा राहुल गांधी को कैसे टारगेट करें, अब उनके पास टारगेट होगा कि कैसे जो है एक नया नैरेटिव खड़ा करें। मणिपुर में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, अभी 21 मेंबर का डेलीगेशन इंडिया गठबंधन का गया है मणिपुर, प्रधानमंत्री का एक भी बयान नहीं आया मणिपुर में। मैं उस बयान को मणिपुर में बयान नहीं मानता हूँ, वो बयान राजनीतिक बयान था, वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर था, मणिपुर पे बयान नहीं आया आपका। और तीसरा पॉलिटिकल डेलीगेशन वहाँ पे गया है, पहले एक MPs गए थे, फिर राहुल गांधी गए, अभी 21 लोग गए हैं। तो आप मणिपुर में बोल नहीं पा रहे, जिसकी निगाह जिस पर पूरी देश दुनिया की निगाह है। तो कोर इश्यूज जो देश के, उसको मोदी जी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पार्लियामेंट से भागे हुए हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन आना, तो काफी कुछ है मोदी साहब को रिएक्ट करने के लिए, और वो रिएक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मोदी साहब रिएक्ट कर रहे हैं और अपने अंदाज में रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है इंडिया नाम से, और इंडिया के इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा आजकल देख रहा हूँ, आप सब भी देख रहे होंगे कि भाषण मोदी साहब का रहता है, लेकिन उसके साथ साथ अब एक नया जो 15 अगस्त से जो यात्रा शुरू होने वाली है वो एक नई परेशानी शायद पैदा करते बीजेपी के लिए, क्योंकि पहली यात्रा ने परेशानी ऑलरेडी खड़ी कर रखी है, और उसके बाद लगातार राहुल गांधी पैदल यात्रा कर ही रहे हैं। पैदल यात्रा से मतलब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट टू कह लें या पार्ट वन का ही एक्सटेंशन कह लें, जिसमें वो कभी गिग वर्कर्स से मिलते हैं, कभी वो स्कूटी पर चलते हैं, कभी वो दिल्ली के बंगाली मार्केट और चांदनी चौक पे पहुंच जाते हैं, तो कभी धान के खेत में धान बोने पहुंच जाते हैं, और उसके बाद वहाँ की महिलाओं को, महिला किसानों को अपने घर बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, और क्या कुछ बातें होती हैं ये आप सबने देख लिया। इतना ही नहीं, महिला किसानों ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ डांस भी किया, उस तस्वीर को आप लोगों ने देखी होगी, हालांकि थोड़ी देर बाद वो आप लोगों के सामने अगर आप चाहेंगे तो जरूर दिखा दूंगा कि कैसे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी